मित्रों, क्या आप जानते हैं मंदिरों में क्यों की जाती है मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा? आखिर क्या होती है इसकी वजह? आज हम आपको इसी बारे में विस्तार से बताएंगे। इससे पहले हे प्रभु, जो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमें फॉलो करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी हो ऐसी कृपा करना। उस दौरान अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह मनाया जा रहा है। इससे पहले आइए हम ये जानते हैं कि क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा और इसको करने के बाद क्या बदलाव होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने धार्मिक गुरु महंत आचार्यों से सुना है कि मूर्ति में प्राण होते हैं, क्योंकि किसी भी मूर्ति की स्थापना सिर्फ उसे उस विशेष जगह पर स्थापित कर देना मात्र नहीं होता, इसके पीछे होता है कई दिनों तक का विशेष पूजा पाठ, कलश यात्रा, नवग्रह, देवी देवताओं का आवाहन, यज्ञ, भजन, प्रसाद वितरण। इन सभी चीजों से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का प्रयोजन बनता है। जिस जगह पर मूर्ति की स्थापना करते हैं वहीं पर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उस जगह पर लगभग 7 दिन या उससे अधिक के लिए हवन पूजन किया जाता है, उसके बाद ही किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। माना जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बिना उस विशेष मूर्ति की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। जब भी कहीं पर किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो निरंतर कई दिनों तक उनका पूजन विधि विधान से करते हैं और उनसे यह विनती करते हैं कि आप इस विशेष मूर्ति में अपना अंश विराजमान करें, जिससे कि हम जब भी इस मंदिर या मठ पर आएं तो आपका साक्षात्कार कर सकें। बात की जाए अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की, तो यह शुभ घड़ी 15 जनवरी से 22 जनवरी तक बहुत ही खुशी के साथ मनाई जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम के मंदिर में उनकी पूजा अर्चना का प्रयोजन शुरू हो जाएगा। इसी तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए स्त्रम क्रिएशंस को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।